नमस्कार, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं WWN। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज सूर्यास्त को अर्घ दिया गया है और हमारे बीच काफी सारे यूट्यूबर हैं जो छठ पूजा को लेकर के वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, बाहर के शहरों तक, पूरे दुनिया तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो हम जानेंगे कि बाहर के शहरों का क्या रिएक्शन रहता है छठ पूजा को लेकर के। सबसे पहले अपने चैनल का नाम बताइएगा। जी नमस्ते, मेरा चैनल का नाम है जय सोनी फोटोग्राफी। और अभी अपन सब भैया लोगों से यहाँ आए तो अपन मुलाकात होगी और अपन यहाँ पर सबके सब छठ पूजा जो है अभी 2022 में उसकी अपन शूटिंग करने आए हुए थे साथ ही साथ। अच्छा, आपका चैनल का नाम क्या है? फालतू दोस्त। बहुत ही बढ़िया। और ना मतलब जो समझते ना कि हमारे शहर में बहुत अच्छा होता है और अच्छा। दूसरे जगह जा नहीं रहता ना, तो बिलासपुर का वीडियो देख के वो लोग का ना मतलब रिएक्शन अलग ही टाइप का रहता है। बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है बिलासपुर गाइड। और कैसा रहता है आपके चैनल में, कैसा रहता है आपके पब्लिक का रिएक्शन? बिलासपुर का जो छठ घाट है वो दुनिया का सबसे बड़ा छठ घाट है, जिसमें जो कंक्रीट का जो छठ घाट है उसकी लंबाई 800 मीटर और अगर कच्चा भी ऐड कर दें तो वो 1.5 किलोमीटर से भी लंबा हो जाता है। और बिलासपुर में छठ घाट बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे से आयोजन समिति ऑर्गेनाइज करता है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ आते हैं छठ पूजा करने। और जब वो बिहार से होके यहाँ आते हैं तब वो बोलते हैं कि जो बिहार में छठ पूजा किया जाता है उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से छठ पूजा बिलासपुर में किया जाता है। तो इस तरीके से मतलब बिलासपुर का छठ पूजा पूरे दुनिया में फेमस तो है ही है और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ बहुत ही खुशी से मनाते हैं। और किसी को लगता ही नहीं, मतलब बाहर के लोग से अगर हम इंटरेक्ट करें तो वो बोलते हैं कि छठ पूजा फेमस है बिहार में, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिलीव कर पाना मुश्किल होता है कि बिलासपुर में भी इतना अच्छा छठ घाट मनाया जाता है। जैसे मैंने एक YouTube में वीडियो अपलोड किया था और आज ही उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि सबसे बड़ा छठ घाट बिलासपुर में हो ही नहीं सकता क्योंकि बिलासपुर कोई मेट्रो सिटी भी नहीं है और बिलासपुर बिहार का भी पार्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन रियलिटी यही है कि ये जो छठ घाट है, छठ घाट बिलासपुर, वो दुनिया का सबसे बड़ा छठ घाट है और यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से छठ मनाया जाता है। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है धुरी सर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना धनीराम धुरी और आज हम लोग आ गए हैं छठ घाट बिलासपुर में। जैसा कि प्रदीप भैया ने बताया कि ये बिलासपुर का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है, तो उसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो ऑडियंस से हमने बाइट लिया तो उनसे पूछा कि छठ पर्व के बारे में कुछ बताइए। तो उनका कहना ये था कि हम खाली देखने आए, हमको पता नहीं है, जो बिहार के हैं उनसे पूछिए। तो गाइस, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर छठ पूजा बहुत पहले से मनाया जा रहा है लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और जिस तरह से आप लोगों का हुजूम यहाँ देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, तो ये देखते ही बनता है कि ये आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के लोग जो हैं छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, इसको ही जानते हैं लेकिन छठ पूजा के बारे में जानते नहीं हैं और देखने के लिए आते हैं कि होता क्या है, होता क्या है। तो यहाँ पर लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि छठ पर्व एक महापर्व है और यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र गाइस ये छठ घाट जो है वो बहुत ही विशाल छठ घाट है। तो मैं बस पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि आइए, देखिए और समझिए, क्योंकि ये एक पारंपरिक रीति रिवाज है। भगवान सूर्य नारायण को यहाँ पर अर्घ दिया जाता है। मैं बिहारी नहीं हूँ लेकिन जैसा कि लोग बोलते हैं तो उसी माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम इंडिया टूरिस्ट प्लेसेस है। और आपके चैनल में पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है छठ पूजा को लेकर के? जैसे हमारे धुरी भैया बताए कि छठ पूजा बिहार भस में मनाए जाते हैं लेकिन हम अगर क्रोम में भी सर्च मारे कि छठ पूजा सबसे सुंदर कहाँ मनाया जाता है तो उसमें बिलासपुर दिखाया गया कि यहाँ भव्य मनाया जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। आपका चैनल का नाम क्या है? तो मेरा चैनल का नाम है @ हेमंत के ब्लॉग्स। और यहाँ बहुत खतरनाक चैनल का नाम है आपको तो तो यार ऐसे ही है, लेकिन कुछ अलग बनाने चाहता था अपने चैनल का, तो नाम ऐसे थोड़ा सोच के रखा हूँ। तो यहाँ भी टूरिस्ट गाइड बिलासपुर, टूरिस्ट गाइड सर बता रहे, धोरी सर बता रहे, बहुत सारे सर बता रहे कि यहाँ पर इसका बिलासपुर का एक्सपेरिमेंस कैसा है। तो यहाँ पर टोटल इसका वो लंबाई 1 किलोमीटर दूर है और 800 मीटर इसका पक्का है और 200 मीटर करीबन कच्चा जो अपना घाट है वो मिलाया जाए तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल 1 किलोमीटर है लेकिन यहाँ पर बिलासपुर का सबसे बड़ा और सबसे भव्य छठ पूजा का आयोजन होता है और यहाँ पर सभी चीज़ की जरूरत नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। तो थैंक्स।
आपका चैनल का नाम क्या है? तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है KGN फोटोग्राफी। और यहाँ बिलासपुर में इतना शानदार छठ पूजा का आयोजन किया जाता है और मतलब एशिया का सबसे नंबर वन यहाँ आयोजन किया जाता है। जैसे कि बिहार में कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार से अच्छा बिलासपुर में आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। आपका चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम स्मोक शैडो है। है कैसे है मैं स्मोक शैडो, मैं अभी हाल ही में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी व्यू देखने के लिए आया हूँ धर्यान धुरी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो बिलासपुर के छठ घाट को दुनिया में पहुंचाने का काम जो कि यूट्यूबर करते हैं, और ये सारे बिलासपुर के यूट्यूबर थे जो छठ पूजा को लेकर के काफ़ी अच्छा कवरेज करते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं। इनका जो रिएक्शन था, ऐसे ही बाहर में जो शहर वाले हैं वो भी नहीं जानते कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बिलासपुर का छठ घाट बड़ा छठ घाट नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बिलासपुर का छठ घाट है। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, पूरा शहरवासी आते हैं और शहर से बाहर के लोग भी बिलासपुर छठ घाट में छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप जानते थे कि बिलासपुर का छठ घाट सबसे बड़ा छठ घाट था? कमेंट में बताइएगा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको खास खास खबरें हमारे इस चैनल में मिलते रहेंगे। जय हिंद।